अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के एमसीक्यू लेकर आया हूँ, पार्ट टू इंटर और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर वन, मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय द पासिंग। तो अपने पास का करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज, जो भी है ना, ए बी सी, सारे ये डी ऑप्शन है इज करेक्ट। और दूसरा है व्हिच वन इज़ अ ट्रू अबाउट आइसोटोप। तो अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट है, सम केमिकल प्रॉपर्टीज, डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आयंस फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्स थर्मो एक्स थर्मिक। तो अपने पास ए ऑप्शन करेक्ट है, यूनि निगेटिव, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ आइसोलेट इन एलिमेंट्स व्हिच द नीड नॉट बी वेपराइड इन वेपराइजेशन चैम्बर। तो अपने पास का ए ऑप्शन करेक्ट है, गैस, ठीक है। और पांचवा एमसीक्यू से एवोकाडोस नंबर में बी रिप्रेजेंट। तो अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, जो भी ए बी सी तीनों ये। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन, तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, एटॉमिक सिटी एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म्स इज यूज फॉर द मास ऑफ द क्लोरीन 13.5। तो अपने पास ए ऑप्शन करेक्ट है, रिलेटिव एटॉमिक मास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो अपने बी ऑप्शन करेक्ट है, यूरेनियम। नो आंसर के द मास ऑफ द डायमोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एन ए। तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 0.054 mg। कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस परफॉर्म्ड यूज्ड टू डिटरमाइन, तो अपने पास ए ऑप्शन करेक्ट है, एम्पिरिकल फार्मूला। आइसोटोप डिफरेंस इज, तो अपने पास ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रॉपर्टीज व्हिच इज डिपेंड अपॉन मास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू एलिमिनेट हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अपने पास ए ऑप्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड। द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट्स द एवरी एलिमेंट्स व्हिच इज ऑलवेज कनेक्ट। तो अपने पास सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटॉन्स, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। और क्या है, वेन 0.1 mol ऑफ द सल्फोरिक एसिड एसिड इन डिसॉल्वड एक्यूस सॉल्यूशन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर कलेक्टेड इलेक्ट्रोगेदर, ठीक है। तो अपने पास डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका टू है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक इंफॉर्मेशन वीडियो होनी चाहिए। थैंक यू।